साल 1964 में वी शांताराम की फिल्म आई, गीत गाया पत्थरों ने, फिल्म का संगीत दिया पंख होते तो उड़ाती रे और तकदीर का फसाना जैसे मशहूर गीत दे चुके संगीतकार रामलाल ने। फिल्म का टाइटल ट्रैक जब मार्केट में आया तो रातों रात एक नाम चर्चा में आ गया और वो नाम था किशोरी अमोनकर का। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में आज इस नाम को प्यार और सम्मान से किशोरी ताई कहा जाता है, गान सरस्वती कहा जाता है। किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने से ताल्लुक रखती थी। किशोरी अमोनकर का जन्म 10 अप्रैल 1931 को मुंबई में हुआ था। बहुत छोटी थी तभी पिता साथ छोड़ गए। तीन बहन भाइयों में किशोरी सबसे बड़ी थी। उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष देखा, पैसों की तंगी थी। एक कमरे के घर में पूरा परिवार रहता था। माँ मोगूबाई कुर्दीकर को गाना गाकर घर चलाना था, लेकिन मोगूबाई कुर्दीकर ने बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी कराई और संगीत भी सिखाया। उनकी माँ मोगूबाई कुर्दीकर अपने समय की जानी मानी शास्त्रीय गायिका थी। मोगूबाई कुर्दीकर जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लादिया खां साहब की शिष्या थी और उन्होंने ही किशोरी अमोनकर को शास्त्रीय संगीत की तालीम दी। माँ के अलावा किशोरी अमोनकर ने उस्ताद अनवर हुसैन खां, पंडित बालकृष्ण बुआ, मोहन रावजी पालेकर, शरद चंद आरोलकर और अंजनी बाई मालफेकर से भी तालीम ली। किशोरी जी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी आवाज चली गई। अब इसे माँ सरस्वती की कृपा ही कहा जाएगा कि आयुर्वेदिक इलाज के दम पर उन्होंने अपनी आवाज वापस हासिल कर ली और उसके बाद अपनी सुर साधना के जरिए पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों का प्यार और सम्मान हासिल किया। किशोरी अमोनकर का संगीत आध्यात्मिक है, भक्ति से भरा है, साधना से पैदा हुआ है। वो बताती हैं कि माँ ने उन्हें सिखाया म्यूजिक कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट का जरिया नहीं है, ये ईश्वर की साधना है और सुर ईश्वर तक पहुँचने का एक जरिया है। इसीलिए किशोरी अमोनकर जब भी गाती थी मानो ईश्वर के लिए ही गाती थी। किशोरी ताई को पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। 3 अप्रैल 2017 को उन्होंने करीब 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अमोल पालेकर ने किशोरी अमोनकर के जीवन और संगीत सफर पर 72 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, नाम है भिन्न षडज। इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा मराठी में है, लेकिन संगीत के छात्रों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। फिल्म का संगीत दिया पंख होते तो उड़ाती रे और तकदीर का फसाना जैसे मशहूर गीत दे चुके संगीतकार रामलाल ने। फिल्म का टाइटल ट्रैक जब मार्केट में आया तो रातों रात एक नाम चर्चा में आ गया और वो नाम था किशोरी अमोनकर का। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में आज इस नाम को प्यार और सम्मान से किशोरी ताई कहा जाता है, गान सरस्वती कहा जाता है। किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने से ताल्लुक रखती थी। किशोरी अमोनकर का जन्म 10 अप्रैल 1931 को मुंबई में हुआ था। बहुत छोटी थी तभी पिता साथ छोड़ गए। तीन बहन भाइयों में किशोरी सबसे बड़ी थी। उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष देखा, पैसों की तंगी थी। एक कमरे के घर में पूरा परिवार रहता था। माँ मोगूबाई कुर्दीकर को गाना गाकर घर चलाना था, लेकिन मोगूबाई कुर्दीकर ने बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी कराई और संगीत भी सिखाया। उनकी माँ मोगूबाई कुर्दीकर अपने समय की जानी मानी शास्त्रीय गायिका थी। मोगूबाई कुर्दीकर जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लादिया खां साहब की शिष्या थी और उन्होंने ही किशोरी अमोनकर को शास्त्रीय संगीत की तालीम दी। माँ के अलावा किशोरी अमोनकर ने उस्ताद अनवर हुसैन खां, पंडित बालकृष्ण बुआ, मोहन रावजी पालेकर, शरद चंद आरोलकर और अंजनी बाई मालफेकर से भी तालीम ली। किशोरी जी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी आवाज चली गई। अब इसे माँ सरस्वती की कृपा ही कहा जाएगा कि आयुर्वेदिक इलाज के दम पर उन्होंने अपनी आवाज वापस हासिल कर ली और उसके बाद अपनी सुर साधना के जरिए पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों का प्यार और सम्मान हासिल किया। किशोरी अमोनकर का संगीत आध्यात्मिक है, भक्ति से भरा है, साधना से पैदा हुआ है।
वो बताती हैं कि माँ ने उन्हें सिखाया म्यूजिक कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, इंजॉयमेंट का जरिया नहीं है, ये ईश्वर की साधना है और सुर ईश्वर तक पहुँचने का एक जरिया है। इसीलिए किशोरी अमोनकर जब भी गाती थी मानो ईश्वर के लिए ही गाती थी। किशोरी ताई को पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। 3 अप्रैल 2017 को उन्होंने करीब 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अमोल पालेकर ने किशोरी अमोनकर के जीवन और संगीत सफर पर 72 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, नाम है भिन्न षडज। इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा मराठी में है, लेकिन संगीत के छात्रों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।